आज का विषय है निर्जला काशी व्रत इन तीन औरतों को नहीं करना चाहिए। निर्जला काशी का व्रत जाने क्या कहते हैं भीम सैनी काशी के निजम। निर्जला काशी व्रत किन औरतों को नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म में भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित निर्जला काशी व्रत का विशेष महत्व है। ये काशी सबसे कठोर और चुनौतीपूर्ण व्रतों में से एक मानी जाती है। इस व्रत में सूर्य उदय से द्वादशी के सूर्य उदय तक निर्जला उपवास रखा जाता है। मान्यता है कि निर्जला काशी व्रत रखने से वर्ष भर की काशी व्रत के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वैसे तो महिलाओं के लिए ये व्रत बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन छात्रों के अनुसार कुछ औरतों को निर्जला काशी व्रत की मनाही होती है। जहाँ जानिए वो कौन सी औरतें हैं जिन्हें काशी का ये पवित्र व्रत नहीं करना चाहिए। इन औरतों को निर्जला काशी व्रत की मनाही है। नंबर एक, गर्भवती महिलाओं के लिए। शास्त्रों के अनुसार निर्जला काशी व्रत एक ऐसा व्रत है जो संतान का वरदान भी देता है, लेकिन गर्भवती महिला इस दिन पूरा व्रत रहने की बजाय पूजा पाठ करें तो दो ही बेहतर होगा। दरअसल ये व्रत बहुत कठिन होता है और गर्भवती महिलाओं को पानी की कमी परेशान कर सकती है। यही वजह है कि निर्जला काशी का व्रत गर्भवती महिलाओं को ना रखने की सलाह दी जाती है। नंबर दो, अधिक उम्र वाली बीमार महिलाएं। निर्जला काशी का व्रत सुहागण महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसे करने से वैवाहिक जीवन, संतान की प्राप्ति, दान लाभ जैसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है, लेकिन बीमारी में जहाँ अधिक उम्र होने पर निर्जला काशी व्रत पूरा रखने की बजाय पूजा करके कथा व आरती करनी चाहिए। नंबर तीन, मास्क धर्म वाली महिलाएं। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को धार्मिक कार्यों से दूर रहना चाहिए। इस दौरान महिलाएं निर्जला काशी का व्रत नहीं रख सकती, लेकिन अगर व्रत के बीच पीरियड आ जाए तो आप व्रत रखकर पूजा किसी और से करवा सकती हैं। इससे भी आपको उतना ही फल मिलेगा, लेकिन मासिक धर्म में आप पहली बार अगर आप व्रत शुरू करना चाहती हैं तो आप व्रत की शुरुआत ना करें। शास्त्रों के अनुसार कुआरी कन्याएं जहाँ पुरुष निर्जला काशी का व्रत रख सकते हैं, इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उन्हें मन चाहे वर का वरदान मिलता है। हालांकि व्रत रखने के कुछ नियमों को जान लेना बेहद जरूरी है। इस दिन किसी भी पेड़ से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, साथ ही किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अकाशी के एक दिन पहले यानी दसवीं तिथि पर खाने में लहसुन प्याज मांस मदरा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।